हेलो गाइस, वेलकम टू हिंद कोच। मैं हूँ वंदना। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ। द बॉय इज स्लीपिंग, द बॉय इज एस्लीप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या आप जानते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? द बॉय इज स्लीपिंग, द बॉय इज एस्लीप, दोनों का मतलब एक ही लग रहा है, मतलब लड़का सो रहा है, लेकिन इसमें एक स्लाइट सा डिफरेंस है। तो आइए जानते हैं स्लीप और अस्लीप के बीच का क्या डिफरेंस है। स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। इट इज एन एक्शन वर्ड। ये बताता है कि कोई व्यक्ति सो रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, व्यक्ति सो रहा है। स्लीप, सोना, मतलब वो एक्चुअल में सो रहा है। एस्लीप, एस्लीप का मतलब होता है इट शोज स्टेट, मतलब कंडीशन या हालात बताता है। इट इज नॉट एन एक्शन वर्ड, ये एक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ कंडीशन या हालात बताता है। Asleep. It means someone is in sleep condition. इसका मतलब है कोई निद्रा की अवस्था में है, निद्रा नहीं कर रहा है, सो नहीं रहा है, लेकिन निद्रा की अवस्था में है, स्लीप की कंडीशन में है, लेकिन वो सो नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सो रही हूँ। अगर मैं एक्चुअल में सो रही हूँ तो आएगा स्लीप, लेकिन मैं ऐसे आंख बंद करके बस ऐसे लेटी हुई हूँ, मतलब सोने की अवस्था में हूँ या सोने की एक्टिंग कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ, एस्लीप कंडीशन में हूँ, लेटी हुई हूँ, आंखें बंद कर रखी है, लेकिन सोई नहीं हूँ। आई एम ओनली इन द कंडीशन ऑफ स्लीप, मैं सिर्फ सोने की हालात में हूँ या फिर उस अवस्था में हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं हूँ। तो हम क्या यूज करेंगे? एस्लीप। एग्जाम्पल देखते हैं स्लीप का। I was sleeping when you called me. जब तुमने मुझे कॉल की तब मैं सो रही थी। कई बार ऐसा होता है, आपकी दोस्त का फ़ोन आता है, किसी का फ़ोन आता है, आप सो रहे होते हैं, तो जब आप उनको दोबारा कॉल बैक करते हैं तो आप बताते हैं I was sleeping when you called me. जब तुम्हारा फ़ोन आया था, जब तुमने मुझे कॉल की थी तो मैं सो रहा था। I was sleeping, आप एक्चुअल में सो रहे हैं। अब asleep का एग्जाम्पल देखते हैं। I was asleep when you called me. जब तुमने मुझे कॉल की थी मैं सोने की अवस्था में था, मतलब मैं लेटा हुआ था, कुछ भी हो सकता है, या आप लेटे हुए होंगे, या आपने आंखें बंद कर रखी होगी या नहीं कर रखी होगी, आप लेटे हुए थे। I was asleep, मतलब लेटे हुए, सो नहीं रहे थे, लेटे हुए थे। स्लीप का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। किड्स आर स्लीपिंग, इसका मतलब बच्चे सो रहे हैं। Asleep, किड्स वर asleep when I entered the house. जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया बच्चे सोने की अवस्था में थे। क्या पता बच्चे सो रहे हों, क्या पता बच्चे ना सो रहे हों, वो सोने की अवस्था में थे, वो सो नहीं रहे थे, वो सिर्फ सोने की अवस्था में थे, लेटे हुए थे, आंखें बंद कर रखी थी, आंखें खोल रखी थी, लेकिन लेटे हुए थे, मतलब सोने की अवस्था हो गई, लेटे हुए थे। किड्स वर एस्लीप। स्लीप एग्जाम्पल, माई टीचर इज स्लीपिंग, मेरी अध्यापिका सो रही है, मतलब एक्शन हो रहा है, वो सच में सो रही है। एस्लीप, माई टीचर इज एस्लीप, इसका मतलब अध्यापिका सच में सो नहीं रही, लेकिन वो सिर्फ उस अवस्था में है, वो सिर्फ निद्रा की अवस्था में है, वो एक्चुअल में सो नहीं रही है, वो सिर्फ निद्रा की अवस्था में है। तो आई होप गाइज नाउ द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंद कोच।